गुड मॉर्निंग गाइज, हाउ आर यू, कैसे आप सभी दोस्तों, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। सो तो फ्रेंड्स, आज है मंडे और आज मैं जा रहा हूँ कोरोना की वैक्सीन लगवाने, कोरोना का टीका लगवाने। देखते हैं वैक्सीन लगती है तो व्लॉग कंप्लीट हो पाएगा, वरना व्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, जब तक के लिए फ्रेंड्स मैं अभी ना धो के रेडी हो गए हूँ, बाल वाल बाज चुका हूँ। अब यहाँ से जाएंगे हम, यहाँ से जाएंगे सिरसी जाएंगे, वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से सीधा फिर वापस यहाँ पर आएंगे। तो ये ब्लॉग कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही बहुत मजा आने वाला है और वैक्सीनेशन लगवाने के बाद में कैसा फील होता है वो अभी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। राधे राधे का ये हम रास्ते का लक्ष्य है और यहाँ से हम जा रहे हैं राधे राधे के, मतलब जो कि किराना की दुकान है वहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि हमारे साथ में कोई और भी जा रहा है जिसका हम वहाँ पे वेट करेंगे और उनके साथ में हम जाएंगे सबसे वैक्सीनेशन के लिए। सो गाइस, हम आ चुके हैं यहाँ पे सिरसी, अब लगवाएंगे कोरोना की वैक्सीन। वो तो उन्हें दिला ना, खुद ही समझ जाओ वो। ताला लगा दिया, पहले रजिस्ट्रेशन कराओ। लग गई दोस्तों, मैंने अंदर फेस कैम वीडियो नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक पब्लिक थी और मुझे अभी पब्लिक पैलेस में फेस कैम वीडियोस बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप समझ सकते हैं। दिस इज द अनदर क्लिप आफ्टर वैक्सीनेशन। मैं यहाँ पे बाहर बैठा हूँ एंड सिस्टर की वैक्सीनेशन लग रही है, उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो मैंने तो लगवा लिया। और वैक्सीन के लगने के बाद, घर जाने के बाद मैं आप पूरी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि क्या इसके बाद में मेरे को इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। यदि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी स्टोरी वगैरह में अपडेट करता रहता हूँ। आपको इंस्टाग्राम पर जाके jitendra.kasotia सर्च करना, हमारा यूजर नेम आ जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डालूंगा। मैं यहाँ पे बैठा हूँ छाया में और ये सिरसी में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ी स्कूल है जहाँ पर लग रही है वैक्सीन। आज तो 500 डोजेज आई थी, जो फर्स्ट एंड सेकेंड डोज लग रही थी ओनली, यहाँ पे कोवैक्सीन लग रही थी। तो आज कोवैक्सीन वालों को लगे, जिनके कोविशील्ड लगी है वो उनकी 2-3 दिन बाद में लगेगी। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं 2 या 3 दिन बाद में, मतलब राखी के बाद में आ सकते हैं, जब तक के लिए 2-3 के लिए यहाँ पे बंद रहेगा। एंड मैं यहाँ पे बैठा हूँ एंड सिस्टर का वेट कर रहा हूँ, तो इन्जॉय कीजिए। यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिखाता हूँ आपको। जब पब्लिक में फेस कैम वीडियो शूट करते हैं तो हमारे मुँह से आवाज़ तक नहीं निकलती, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ इस वीडियो में। दोस्तों ये ब्लॉग
दो पार्ट पे कंप्लीट हो पाएगा। फर्स्ट पार्ट में हम 16 तारीख को आए थे तो यहाँ पे लग नहीं पाई थी, तो अब इसमें लगी मेरे तो अब सिस्टर की लगेगी। अब उसके बाद मेरे एक मंथ के बाद यहाँ पे कोविन वापस से सेकंड डोज लगेगी। तो गाइस सिस्टर की वैक्सीनेशन लग चुकी है और अब हम निकलेंगे यहाँ से सीधे घर पे। एंड जो सिस्टर है वो आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो कुछ वो पीछे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वो एक लड़की सी आ रही है, वो मेरी सिस्टर। तो उसके वैक्सीन लग चुकी है एंड किसी दिन आपको पूरा कंप्लीट ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें फैमिली ब्लॉग के साथ में शूट करूंगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकलने वाले, बाइक से आए थे हम किसी के साथ में, तो अब बाइक से हम वापस से मुंडे आराम से के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों ब्लॉग को कंटिन्यू कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो अब हम सिरसी से सीधा मुंडे रामसर की तरफ वापस घर पे आ रहे हैं वैक्सीनेशन लगने के बाद में। ये सिरसी से सिरसी स्टैंड पर जो बस स्टैंड है वहाँ पे जाने वाला रास्ता है। तो यहाँ पे विद्युत बग रहा है, गाड़ी आ रही जा रही है। बिंदाएगा का बस स्टैंड आ गया है यहाँ से। अब हमारा आएगा सिवार मोड़, तो सिवार मोड़ के बाद में सीधा निमेड़ा, निमेड़ा के बाद में मुंडे रामसर आ जाएगा। ये ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से सिरसी, मुंडे रामसर से लगभग 10-11 किलोमीटर के एरिया में आ जाता है। तो गाइस मैं अब आ चुका हूँ घर पे और मैं यहाँ पे आया हूँ दस्त पानी वानी पिया एंड हाथ वगैरह धोए एंड अब यहाँ पे खा रहा हूँ चावल जो भाई ने बना के रख दिए थे, उन चावलों को खाऊंगा। उसके बाद में कुंभकर्ण की तरह सोएंगे एंड उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा है। तो मैं दिखाता हूँ आपको चावल जो मैं खा रहा हूँ आपको दिखा। तो दोस्तों ये चावल जो नमकीन चावल है भाई ने बना दिए थे, तो मैं उनको खाऊंगा फिर बाद में कुंभकर्ण की तरह सोऊंगा। तो सो गाइस मैं अभी लेटा हुआ हूँ और आने के बाद में मैंने चावल खाए और यहाँ पर थोड़ा लेट गया था क्योंकि मुझे थकान सी महसूस हो रही थी और नींद तो आ नहीं रही। तो सोचा आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन कर देता हूँ। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं जो वैक्सीनेशन के लिए गया था वो मैं 16 तारीख को भी गया था और जिस दिन गया था उस दिन है ना 150 डोज आई थी सिरसी के अंदर जो वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन वो डोज बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी और जो बाकी लोग थे उनका नंबर नहीं आया था, तो आज ही वापस आना पड़ा था। और जो 16 तारीख को गया था तो मेरा एग्ज़ाम भी था, मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था ऑनलाइन, तो मुझे भी याद नहीं रहा प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन। जब किसी ने फ़ोन किया तो मुझे याद आया कि आज प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, तो उस दिन तो आप समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज तो वैक्सीनेशन सक्सेसफुली लग गई है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, एक छोटी सी क्लिप आने वाली है जिसके बाद में ये ब्लॉग एंड हो जाएगा। गैस अभी हो गए शाम के 5:30 यानी कि 5:40 और मेरा हो गया यहाँ से उठ के दूध लाने का टाइम हो गया। उसके बाद में चाय बनाएंगे एंड उसके बाद में ये ब्लॉग यहीं पे कंटिन्यू होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोरोना की वैक्सीन लगवाते हैं तो आपके बिल्कुल भी जब वैक्सीन लगाई जाती है तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, बिल्कुल चींटी काटने जितना दर्द भी नहीं होता है और
वैक्सीन लगाने के बाद में लोग कहते हैं कि बुखार आती है वगैरह आती है ना, ये तो मुझे नहीं पता है कि, लेकिन अभी तो कल या परसों पता लगेगा कि बुखार आती है नहीं आती है। लेकिन मेरे फादर एंड मदर को बुखार जरूर आई थी क्योंकि उनको हैवी डोज लगी थी, शायद कोविशील्ड के अंदर हैवी डोज होती है, इस वजह से उनको बुखार आई थी। अदरवाइज कोवैक्सीन में इतना नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।